नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जुबिलेंट फूड लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू, आखिर आने वाले सालों में इससे वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें सब कंपनी में लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देख सकती है, क्या कंपनी के शेयर को जो है बाय करना सही विकल्प रहेगा, सेल कर देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की एक प्रोफाइल देखने मिल जाएगी, कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए तो भाई कंपनी के जो मार्केट कैप टाइप है वो मिड कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू जो है 36,902 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है मुख्य रूप से रेस्टोरेंट एंड कैफेज़ के सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी जानकारी, अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर हम 5 साल पहले चले जानी हो 2019 में, तो उस समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखते हैं। तो अगर 22 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 242 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें कंपनी के शेयर की वैल्यू को, तो भाई ये 242 रुपये से बढ़ के 561 रुपये हो चुकी है, और ये मैक्सिमम गई है 918 रुपये तक। यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 242 रुपये से लेके और 918 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 142% का रिटर्न दिया गया है। तो वैसे तो 142% का रिटर्न यार ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है, पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत मानते हुए इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा अभी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हमें देखना होगा कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कभी नुकसान में तो नहीं चल रही, रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 3,996 करोड़ का जो है रेवेन्यू बनाया जाता था, नेट इनकम 279 की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 399.6 से बढ़ के 5,882 करोड़ हो चुका है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम 289 से बढ़ के 399 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। तो दोनों इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यानी हम इससे कह सकते हैं कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है निवेशकों के लिए। क्योंकि दोस्तों, हमने ये 1 या 2 साल की नहीं, लगभग 5 साल की जो है रिपोर्ट को देखा है, 5 साल में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है फाइनेंशियल रूप से। तो इसलिए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, कंपनी जो है काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक रही हुई है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट, यानी जो कंपनी की संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, जो कि देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के पास उस समय 1,855 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 5 सालों के बाद 2024 में देखें तो कंपनी की जो संपत्ति 1,855 करोड़ से बढ़ के 5,382 करोड़ हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी की जो संपत्ति है उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। इसे हम कह सकते हैं कंपनी अपनी संपत्ति में भी लगातार निवेश करती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो भाई इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे, अगर रेवेन्यू सोर्स बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी के ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी पिछले सालों के मुकाबले। तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है नहीं। तो चलिए डिविडेंड को देखते हुए, कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 2023 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है, और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो। और अगर इसको कंपेयर करें तो भाई कंपनी जो है 2021 और 20 में तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ने डिविडेंड की जो वैल्यू है उसको काफ़ी कम कर दिया। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। इसका कारण है कि भाई अगर कंपनी थोड़ा ही सही पर अभी भी डिविडेंड दे रही है लगातार, तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के और भी संकेत करते हैं, और ये कंपनी की ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना होगा, जो कि भाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 41.94% की होल्डिंग की गई है, और इस 41.94 में से कंपनी ने 2.09% की होल्डिंग को बैंक में गिरवी रख दिया है, और बाकी बची होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास रही हुई है, जो कि इसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में अपने शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, काफ़ी कम मात्रा में ही रखा है, ठीक है। इसको हम अभी के लिए एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा देखिए कितनी अच्छी होल्डिंग है, 24.39%। और ऐसा कहा जा सकता है भाई, कहा जाता है कि भाई अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कोई सी कंपनी में ज़्यादा होती है तो वह कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाएगी शॉर्ट टर्म के मुकाबले, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 5.50% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेश इन्वेस्टर कंपनी में देखिए कितनी अच्छी मात्रा में, 20.39%, ये भी एक अच्छा संकेत है। इससे हम कह सकते हैं कंपनी ने विदेशों में भी खुद को काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 7.78% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर कंपनी के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी का जो
जो कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी बारी आती है दोस्तों इन प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करने की, पर उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है कि भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई अपडेट और नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए अगर प्लस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें 500 प्लस पॉइंट देखने मिले, ये देखिए, और अगर माइनस पॉइंट को देखें तो भाई एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेश के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।